नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये क्लास जो होती है ये ऐतिहासिक घटनाओं पर होती है, यानी कि इस क्लास में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करेंगे जो 24 मई को हुई थी, या फिर आज का दिन किन घटनाओं को के लिए बहुत खास है, ठीक है, किस वजह से आज का दिन बहुत खास माना जाता है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, यानी बायलिंगुअल, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो के, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद जब आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहली घटना है वो हुई है 24 मई सन 1557 में, ठीक है, 24 मई 1557 क्या हुआ है चलिए जानते हैं। सिकंदर सुर वॉज कंपेल्ड टू सरेंडर मानकोट इन पंजाब, ठीक है, सिकंदर सुर जो था उसको मजबूर किया गया था सरेंडर करने के लिए, कहाँ पर, मानकोट में, जो कि एक जगह है पंजाब में, ठीक है। सिकंदर सुर वॉज कंपेल्ड टू सरेंडर मानकोट इन पंजाब, सिकंदर सुर को मजबूर किया गया था कि वो घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे, कहाँ पर, मानकोट में, पंजाब के। आगे देखते हैं, सिकंदर शाह सूरी डाइड 1559 वॉज अ सिक्स रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी अ लेट मिडीवियल पाश्तून, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी जो था, जिसको सिकंदर सुर मैंने बोला भी, वही सिकंदर शाह सूरी जिसकी मृत्यु हुई है कब, सन 1559 में उसकी मृत्यु हुई है, वो छठे रूलर थे, छठा राजा था अपनी सूर डायनेस्टी का, ठीक है, जो कि पाश्तून थी, लेट मेडिवियल पाश्तून की एक डायनेस्टी थी, ठीक है। आफ्टर सिक्स मंथ्स ऑफ रेसिस्टेंस सिकंदर सरेंडर्ड एट द फोर्ट ऑफ 25 जुलाई 1557, ठीक है। पहले तो उसने मानकोट में कब सरेंडर किया, मजबूरन में, सन 1557 में, ठीक है, 24 मई में। उसके बाद 6 महीने के इसने अपने फोर्ट में, यानी कि जो इसका किला है सिकंदर किला, वहाँ पर इसने सरेंडर किया 25 जुलाई 1557 में, ठीक है, अ लेट मेडिवियल पाश्तून। इनकी जो डायनेस्टी थी वो कब थी, लेट मेडिवियल पाश्तून की, 6 महीने की रेजिस्टेंस के बाद, मतलब पहले शुरुआत में 6 महीने सिकंदर फोर्ट को सरेंडर करने के लिए, सिकंदर का किला जो है उसको सरेंडर करने के लिए सिकंदर सुर मना करता रहा, लेकिन जब 25 जुलाई 1557 को उसने फाइनली अपना फोर्ट, जो सिकंदर फोर्ट था, सिकंदर किला, वो सरेंडर कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं शेर शाह सूरी इमर्ज एज अ पावरफुल पाश्तून अफगान रूलर एंड एस्टैब्लिश द सूर एम्पायर। अब देखते हैं कि ये जो सूर एम्पायर है इसकी स्थापना कैसे हुई और ये लोग भारत में कैसे आए, ठीक है, और इन्होंने कहाँ कहाँ राज किया। जो शेर शाह सूरी था, ठीक है, शेर शाह सूरी थे, उन्होंने सूर एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने कैसे स्थापना की सूर एम्पायर की, हुमायूं जो थे उनको हरा करके, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को हरा करके शेर शाह सूरी ने अपने सूर एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है, जो कि एक पाश्तून अफगान रूलर था, ठीक है, ये एक पाश्तून अफगान रूलर था, मतलब पाश्तून अफगान का राजा था, और इसने अपने सूर एम्पायर की स्थापना की थी हुमायूं को हराने के बाद, ठीक है। एम्पायर इस्टेब्लिश्ड बाय मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ अफगान रूल्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर नियरली 16 ईयर्स, ठीक है, इन्होंने 16 साल उत्तरी भारत पर राज्य किया, ठीक है। ये एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, मतलब ये जो एम्पायर था वो मुसलमानों का साम्राज्य था, ठीक है, अफगान से आए हुए थे ये लोग, और इन्होंने उत्तर भारत पर राज किया 16 साल तक, कब से कब तक, 1540 से लेकर के 1556 तक, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। और इनकी जो सूर डायनेस्टी की कैपिटल थी सूर साम्राज्य की, वो थी सासाराम, ठीक है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत और पर्शियन बोली जाती थी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ऊपर की वो चीज़ें बता दी जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, और डिटेल में जानना है तो हिस्ट्री की क्लास आपको जो बाद में सुमित सर लेंगे उसमें वो आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने जो सूर एम्पायर की स्थापना की थी वो हुमायूं को हरा करके की थी, ठीक है, ये एक पाश्तून अफगान के राजा था, ठीक है, और ये एक मुगलों का साम्राज्य था, मुस्लिम डायनेस्टी थी, मुसलमानों का साम्राज्य था, कहाँ पर, भारत के उत्तर भारत में था, ठीक है, और इन्होंने 16 साल राज्य किया उत्तर भारत में, कब से कब तक, 1540 से लेकर के 1556 तक, ये दिया हुआ है। इनकी कैपिटल क्या थी, सासाराम, और वहाँ पे जो आम भाषाएं थी, आम बोलचाल की, वो संस्कृत और पर्शियन थी। आगे देखते हैं, द बैटल ऑफ चौसा, ये मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये हिस्ट्री का काफ़ी फेमस बैटल है, बैटल ऑफ चौसा या फिर चौसा का युद्ध, जो कब हुआ था, 25 जून 1549 में, ठीक है, 25 जून 1549 को ये बैटल ऑफ चौसा हुआ था, यानी चौसा का युद्ध हुआ था, और ये किसके किसके बीच में हुआ था, मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो राजा थे हुमायूं और शेर शाह सूरी, जिनको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं हार गया था,
और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी यानी शेर खान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1539 में। ठीक है, आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली घटना है 24 मई 1813 की, 24 मई 1813 क्या हुआ था इस दिन, चलिए जानते हैं। कृष्ण मोहन बैनर्जी वॉज 19th सेंचुरी इंडियन थिंकर। ठीक है, कृष्ण मोहन बैनर्जी का जन्म हुआ था आज के दिन। ठीक है, अब आगे इनकी बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन कृष्ण मोहन बैनर्जी का जन्म आज के दिन हुआ था। ठीक है, 24 मई को क्या खास बनाता है कि सन 1813 में कृष्ण मोहन बैनर्जी जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे, चलिए जानते हैं। वॉज अ 19th सेंचुरी इंडियन थिंकर हु अटेम्प्टेड टू रीथिंक हिंदू फिलोसफी रिलीजन एंड एथिक्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ क्रिश्चियन आइडियाज। ठीक है, ये एक भारतीय विचारक थे। ठीक है, जो हिंदू नीति को, इन्होंने इस पे विचार किया, हिंदू नीति के धर्म और उसकी नैतिकता पर विचार किया और क्रिश्चियन का जो विचार था, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन का, उसकी उत्तेजना में इसका जवाब छाना। ठीक है, मतलब भारतीय विचारक थे ये, एक इंडियन थिंकर थे, भारतीय विचारक थे, वो अटेम्प्ट टू रीथिंक हिंदू फिलोसफी, इन्होंने जो हिंदू की फिलॉसफी है, हिंदू की नीतियाँ हैं, उनके उनका धर्म है और उनकी नैतिकता के बारे में इन्होंने दोबारा से सोचा और ये भी सोचा कि जो क्रिश्चियन के जवाब में हिंदू का जो नीति है, धर्म है और नैतिकता है, उसके जवाब में क्रिश्चियन की उत्तेजना के बारे में सोचा। ठीक है, ही हिमसेल्फ बिकेम अ क्रिश्चियन, उसके बाद में उन्होंने खुद को क्रिश्चियन में परिवर्तित कर लिया और वो पहले अध्यक्ष बने बंगाल क्रिश्चियन एसोसिएशन के। ठीक है, बंगाल क्रिश्चियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने क्रिश्चियन बनने के बाद, विच वॉज एडमिनिस्टर्ड एंड फाइनेंस्ड बाई इंडियंस। ठीक है, जिसको चलाता कौन था, जिसका वित्तीय रूप से सहायता करता था और उसको चलाते थे भारतीय। ठीक है, वो क्रिश्चियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बने, जो चलाई किसके द्वारा जाती थी एसोसिएशन, या एसोसिएशन भारतीय चलाते थे और इसको वित्तीय सहायता भी भारतीय प्रदान करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डाइड ऑन 11 मई 1885 इन कैलकटा बंगाल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, 11 मई 1885 में, कहाँ पर, कैलकटा बंगाल ब्रिटिश इंडिया के कैलकटा बंगाल में इनकी मृत्यु हो गई 11 मई 1885 में। ठीक है, ये हैं वो, आप देख लीजिए कौन है ये जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, कृष्ण मोहन बैनर्जी। ठीक है, ये हैं कृष्ण मोहन बैनर्जी। आगे देखते हैं, तीसरी घटना है वो हुई है 24 मई 1875 में, यानी 24 मई 1875। क्या हुआ था 24 मई 1875 को, सर सैयद अहमद खान, ये वही हैं जिनके बारे में हमने अपने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक मॉडर्न स्कूल, एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की थी जो आज बहुत फेमस हो चुका है इन अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में इन्होंने एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की थी 24 मई 1875 में, एंड ऑब्टेनिंग सपोर्ट फ्रॉम वेल्दी मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, इन्होंने इसके लिए किसकी किसकी सहायता ली थी, जो धनवान मुस्लिम थे और जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम भारत में, उनका शासन था, ठीक है, ब्रिटिश शासन में, उनकी मदद ली और इन्होंने इसकी स्थापना की इस स्कूल की, जिसका नाम पहले था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अब हम लोग AMU या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना 24 मई 1875 में की गई थी और तब इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, और ये कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए किसकी किसकी सहायता मांगी थी, जो अमीर मुस्लिम्स थे, ठीक है, उस टाइम के जो वेल्दी मुस्लिम्स थे, पैसे वाले मुस्लिम्स थे, और जो ब्रिटिश भारत पे शासन कर रहे थे उनकी। ठीक है, ये देख लीजिए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नाउ नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रचलित यूनिवर्सिटी है अब। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 मई 1875 में और किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान शुक द वेरी रूट्स ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, ही टू वॉज डेस्टिन टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ हिज पीपल। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना क्यों की थी, इसके पीछे मकसद क्या था, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के पीछे, इसके पीछे यह मकसद था कि वो जो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी शासन था भारत में, उसकी जड़ें हिलाना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि जो भारत के मुस्लिम्स हैं वो पढ़ें लिखें और बहुत ही ऊंची जगहों पर पहुंचें, जिससे जो अंग्रेजी शासन है भारत में उसकी नींव हिल जाए, उसकी जड़ हिल जाए और वो भारतीय अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ के फेंक दें, उनको बाहर निकाल दें। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका पूरा नाम था अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुक्ताकी। ठीक है,
सर सैयद अहमद खान का पूरा नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है और हम में से बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम था अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुक्तदी, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज में, ठीक है। इन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ाई की उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, और इनको अवार्ड मिला है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार जीते, उनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार जो इनको मिला था वो था स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथी घटना जो हुई है, पति जो हुई है 24 मई सन 1990 में, ठीक है। 24 मई सन 1990 में क्या हुआ था, जो कदूर सदानंदा हेगड़े थे, जिनको के एस हेगड़े भी बोला जाता है, इनको के एस हेगड़े नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं, इसलिए इस नाम से मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप जल्दी समझ जाएं कि के एस हेगड़े का निधन हो गया था उस दिन, ठीक है। सन 1990 में के एस हेगड़े का 24 मई के दिन निधन हो गया था, जिनका फुल फॉर्म है कदूर सदानंदा हेगड़े। ही वॉज अ इंडियन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु सर्वड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये जो थे ये भारतीय न्यायविद थे, जूरिस्ट का मतलब एक न्यायविद थे, ठीक है। और साथ में इन्होंने राजनीतिज्ञ भी की है, तो ये एक राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। इन्होंने राजनीति में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए एक राजनीतिज्ञ भी थे। भारतीय न्यायविद होने के साथ ये एक राजनीतिज्ञ भी थे। ये जज बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, भारत के उच्च कोर्ट के जज रह चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद ही लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 24 मई सन 1990 में। वो भारतीय न्यायविद रह चुके हैं और साथ में भारतीय राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं। उनको एक जज भी बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और स्पीकर भी रह चुके हैं लोकसभा के। हेगड़े फाउंडेड द निटी एजुकेशन ट्रस्ट, इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था निटी एजुकेशन। एंड ही वॉज द फादर ऑफ संतोष हेगड़े, इनके ये संतोष हेगड़े के पिता हैं, जो वो भी जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ठीक है। सदानंदा हेगड़े, कदूर सदानंदा हेगड़े के पुत्र थे संतोष हेगड़े, वह भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। और कदूर सदानंदा हेगड़े ने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसका नाम था निटी एजुकेशन ट्रस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, इन 1952 हेगड़े वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा, अ पोजिशन इन विच ही हेल्ड अंटिल 1957, ठीक है। इनको राज्यसभा में चुना गया था एक मेंबर की तरह, कब तक ये रहे, 1957 तक, ठीक है। 1952 में इनको लोकसभा में, राज्यसभा में एक मेंबर की तरह चुना गया था, और इनका कार्यकाल कब तक रहा, सन 1957 तक, ठीक है। उसके बाद में सन 1967 में, ठीक है, सन 1967 में 1967 में हेज को जज बनाया गया, हेगड़े को जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय का जज चुना गया इनको, हेगड़े को, ठीक है। के एस हेगड़े, जिनका फुल फॉर्म है अभी मैंने आपको बताया था कदूर सदानंदा हेगड़े, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवी घटना जो हुई है 24 मई सन 1991 में, ठीक है, 24 मई 1991। ऑन दिस डे इन द ईयर 1991, आफ्टर असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, स्टेट फ्यूनरल वॉज हेल्ड, ठीक है। इनका दाह संस्कार किया गया था आज के दिन, यानी 24 मई 1991 में, ठीक है। जब इसके पहले मैं पुरानी वाली वीडियो में बता चुकी हूँ हिस्ट्री वाली में कि इनके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ था, ठीक है, आतंकवादी आत्मघाती हमला हुआ था। उसके बाद में 24 मई सन 1991 में इनका दाह संस्कार किया गया, ठीक है। मतलब आज के दिन राजीव गांधी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के छठे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका दाह संस्कार किया गया था। हिज फ्यूनरल वॉज ब्रॉडकास्टेड लाइव नेशनली एंड इंटरनेशनली एंड वॉज अटेंडेड बाई डिग्निटरीज ओवर 60 कंट्रीज, ठीक है। जो इनका दाह संस्कार था उसका लाइव ब्रॉडकास्ट, मतलब उसका लाइव प्रसारण किया गया राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा, और इसमें 60 से ज़्यादा देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, ठीक है। ही वॉज क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, इनका दाह संस्कार कहाँ पर हुआ, यमुना नदी के किनारे हुआ, ठीक है। इनका जहाँ पर इसके पहले इनके माता का, इनके पिता का और इनकी बहनों का दाह संस्कार हो चुका था, वहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया, यानी यमुना नदी के तट पर, ठीक है। आज के दिन राजीव गांधी का दाह संस्कार हुआ था। आगे देखते हैं, सोनिया गांधी टुक ओवर एज अ पार्टी लीडर इन 1998, ठीक है। उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में सोनिया गांधी, जो कि इनकी वाइफ थी राजीव गांधी जी की, उन्होंने पार्टी लीडर यानी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला, कब, सन 1998 में, यानी कि 7 साल के बाद, ठीक है। राजीव गांधी जी की मृत्यु के 7 साल बाद सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस का कार्यभार संभाला, वो उसकी अध्यक्ष बनी सन 1998 में, ठीक है। राजीव गांधी अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिमेंड इन ऑफिस फॉर 19 ईयर्स, और उसके बाद में
ये राजीव गांधी की, इन्होंने राजीव गांधी की जगह ली और कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी सन 1998 में, मतलब राजीव गांधी के मृत्यु के 7 साल बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव हु बिकेम अ लीडर एंड देन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी के मरने के बाद में उनकी जगह पर वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद में संगमा एंड तारिक अनवर। ठीक है, संगमा और तारिक अनवर जी जो थे उन्होंने चैलेंज कर दिया सोनिया गांधी को कि वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं क्योंकि उनकी जो बर्थ है वो इटली की है। ठीक है, सोनिया गांधी जो है वो इटली में जन्मी थी, लुसाने शहर में। ठीक है, तो इसलिए वो भारत में उन्होंने जन्म नहीं लिया है, उनका जन्माधिकार भारत का नहीं है, इसलिए वो भारत की प्रधानमंत्री नहीं चुनी जा सकती, इसलिए वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ठीक है, आगे देखते हैं। राजीव गांधी वॉज अ सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैंने आगे अभी आपको बताया था कि ये छठे प्रधानमंत्री थे भारत के, कब से कब तक, 1984 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, ही टुक ऑफिस आफ्टर 1984। उन्होंने ऑफिस लिया था 1984 में, कब, जब इनकी माताजी इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। ठीक है, राजीव गांधी छठे प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने अपना कार्यभार कब से ग्रहण किया, सन 1984 में। 1984 में उन्होंने अपनी माता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में वह कार्यपद संभाला था। ठीक है, और उन्होंने कब तक कार्यभार संभाला अपना, सन 1979 तक। ठीक है, आगे दीज आर द क्लोथ रिमेन्स ऑफ राजीव गांधी आफ्टर ही वॉज असैसिनेटेड। ये पिक्चर में आप जो कपड़े देख रहे हैं जले हुए फटे हुए, ठीक है, ये वो कपड़े हैं जो राजीव गांधी ने तब पहने हुए थे जब ये सभा में गए थे और इनके ऊपर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, तो उनको निशानी के तौर पर म्यूजियम में रखा गया है। आगे देखते हैं, अगली घटना है हमारी छठी, 24 मई 1993 की, यानी 24 मई 1993 क्या हुआ था। नरसिम्हा राव बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट उज्बेकिस्तान ऑन 23 to 25 मई 1993। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ऐसे थे जिन्होंने उज्बेकिस्तान में दौरा किया था। ठीक है, नरसिम्हा राव भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उज्बेकिस्तान में दौरा किया था, कब से कब तक, 23 मई से लेकर के 25 मई सन 1993 तक। ठीक है, सन 1993 तक, 23 to 25 मई 1993। दस ऑन दिस डे इन द ईयर 1993 इंडिया एंड उज्बेकिस्तान साइंड 5 treaties। तो 24 मई मतलब आज के दिन भारत और उज्बेकिस्तान ने 5 संधियों पर हस्ताक्षर किए थे एक साथ। ठीक है,